हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ ना, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या आपके पास है और क्या आपके पास नहीं है। तो ये कहानी है एक हिरन की, जिसके सिर पर सोने के सींग थे। ठीक है, तो जब भी वो पानी पीने जाता तालाब में, तो अपनी परछाई उसे दिखती। तो वो अपने सींगों को देख के तो बहुत खुश होता था, बहुत प्राउड फील करता था। लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता ना, तो उसे बहुत बुरा लगता कि मेरे पैर कैसे काले छोटे से हैं। ठीक है, तो हमेशा बहुत कोसता रहता था अपने पैरों को। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि जंगल में शिकारी आया, तो क्योंकि उसके सोने के सींग थे, उसको देख के शिकारी ने उसको पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते जो है ना, उसके पीछे लगा दिए। अब जो है हिरन भागने लगा। तो उस दिन उसे महसूस हुआ कि जिन पैरों को वो लगातार कोसता रहता था, बुरा भला बोलता रहता था, वो पैर ही आज उसकी मदद कर रहे थे भागने में। तो वो भागता रहता है। लेकिन एक जगह, जैसे जैसे वो और अंदर जंगल में जाता है ना, तो झाड़ियाँ जो है वो घनी होती चली जाती है, और पीछे उसके शिकारी कुत्ते लगे हुए थे। तो एक बार एक ऐसी झाड़ी में उसके सींग फंसते हैं। उसने बहुत कोशिश करता निकालने की, लेकिन वो नहीं निकलते। और इतने में शिकारी कुत्ते आ जाते हैं और उसको मार देते हैं। तो मरने से पहले वो एक बात सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, कि मतलब पूरी ज़िंदगी मैं उनको कोसता रहा जो मेरे को एक्चुअली में बचाने में मदद कर रहे थे, और जिसने मुझे फंसाया मैं उसी के ऊपर प्राउड फील कर रहा था। तो हमारी ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा ही होता है, हम बाहरी सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की सुंदरता होती है ना, वही सही मायने में, जो टैलेंट होता है बेसिकली, वही सही मायने में जो है मैटर करता है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलती हूँ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।